अब आगे बढ़ेंगे। धौलपुर से खबर बता दें, सरमथुरा थाना क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़। शातिर बदमाश शीरा और फिर चुटिया मीणा को पकड़ने गई थी पुलिस। पुलिस की गाड़ी को बदमाश ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। इसके बाद बदमाश की ओर से पुलिस पर फायरिंग करने की भी सूचना मिली। पुलिस ने बचाव और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश का उपचार करवाया। हिस्ट्री शीटर शीरा और फिर चुटिया मीणा गाँव बसंतपुर का निवासी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धौलपुर से, जहां पर सरमथुरा थाना क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और शातिर बदमाश शीरा उर्फ चुटिया मीणा को पुलिस पकड़ने गई थी और इस दौरान मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि बदमाश ने अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी की, ऐसी भी सूचना मिल रही है। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। ऐसे में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया और तुरंत पहले बदमाश को उपचार करवाया गया। अब पूरे मामले की जांच की जाएगी और बदमाश से पूछताछ की जाएगी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ बने हैं। विनोद, देखिए पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़, जरा जानकारी साझा करें इसको लेकर। एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर था तेरा और चुटिया मीणा, जो कि लगातार कई मामलों में दर्जनों मामलों के खिलाफ दर्ज है। धौलपुर जिले के अंदर भी दर्ज है, इसके अलावा यूपी एमपी और हरियाणा में जैसे वाहन चोरी कई वारदातें की हैं और थाने का स्थिति था जिसकी सूचना मिली थी, नाकाबंदी कराई गई जिसको गिरफ्तारी के लिए। जैसे ही सरमथुरा पुलिस के द्वारा खरेड़ नदी पर नाकाबंदी कराई गई थी, तभी आरोपी नाकाबंदी को देखकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर देता हुआ भाग निकला। इसके बाद पुलिस की ओर से जो आरोपी था, आरोपी का पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान पुलिस की जो टीम थी, उस टीम पर आरोपी के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के दौरान एक गोली उसके पैर में लगी जिससे वो घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने उसको राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद जिला सरमथुरा जो चिकित्सालय है वहां उपचार के भर्ती करा दिया गया है। साथ ही उस मामलों को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जी इंदु, चलिए विरोध, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।